पहली बार आई हो? से मिलने आई हो? जी, किसी से मिलने आई हूँ। सिल्वरवुड है, आगा जी और मामा का घर, जहाँ बीबी जानू अप्पू जी आई और हम जुगनू और जोया रहते थे। मगर आज ये घर सिर्फ अप्पू जी और आई का है, बस। बीबी के नाम का शर्ट? नो यू कांट। और ऐसी कोई हरकत ना करना जिसे बीबी एम्बैरस होगी, ओके? उसका ख्याल है कि तुम्हें छुट्टियां गुजारने के लिए यहां आना चाहिए। उसने भेजा है तुम्हें? नहीं, मैं खुद आई हूं। मैंने सोचा जोई और जुगनू आप सबसे मिल लेंगे, आप मुझसे, मैं आपसे मिल लूंगी। तो तुम्हें मिल लिया हम सबसे? मुसलमान तो नहीं हुआ होगा ना? जवाब क्यों नहीं देते? मुंह में जबान नहीं है क्या? Pain is unloading on everybody. This is what happens with a monster. Now this is what happens when you mess around with a Kane's partner. It's okay for Kane to pick on Daniel Bryan, but not anybody else. क्या सोचा है? Kane has assaulted everyone in the ring but the official. Well, let's not forget Kane is still the big red monster. कब तक रहोगी? What happens? He's got a short fuse. The winners of this match as a result of a disqualification, Team Rude Skullers. Skullers may have won the matchup, but Team Hell No will keep the tag team title.
कब तक रहोगी? आज से ठीक 14 बरस पहले अप्पू जी ने बीबी से भी यही सवाल किया था, कब तक रहोगी? जब बीबी हमें जुगनू और जोया को लेकर सिल्फ बीबी लुक अब तब फ्लाई जोई रुको मत जाओ वहां पे, ना पकड़ना मर जाएगी, सारे रंग उतर जाएंगे जोई। जिंदगी के सब रंग उतर गए मगर तलखियों का पक्का रंग हमारे वजूद पर ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। बताओ मुझे कहां छुपा है मेरा ब्लाउज, कौन से खाता तुमको चोरी करना? मैंने कहा था ना कि ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे बीबी एम्बैरस होगी। भाई हम तो जो भी कहेंगे बच्चों के भले के लिए कहेंगे, वरना हमें क्या पड़ी है? तुमने चले ही जाना है 2-4 दिन में यहाँ से अपने घर। मैं जोया जुगनू अब सिल्वरवुड में ही रहूंगी, मैंने पॉल से तलाक ले लिया। बीबी जुगनू नहीं आएगा? नहीं वो थक गया है। क्यों थक गया बीबी? क्योंकि उसने कहानी लिखनी थी, कहानी लिखते लिखते और सुनते सुनते इंसान थक जाता है। इसलिए डीमन नहीं थकता क्योंकि वो कहानी नहीं लिख सकता और वो बीबी जी के साथ वॉक पर जा सकते हैं, राइट? जुई तुम डीमन नहीं हो, समझ आई? अप्पू जी ने कहा था। अप्पू जी गुस्से में बहुत कुछ कह देती है, बड़ा गुस्सा है ना उनका। आगा जी को गुस्सा आता है इसलिए मामा को चोट लगी। बीबी लुक अब बटरफ्लाई। जोई रुको मत जाओ वहां पे, ना पकड़ना मर जाएगी, सारे रंग उतर जाएंगे जोई। वापस आओ। वो तितली मैंने पकड़ ली, रंग उतर गए, वो मर गई। जैसे हम सब की जिंदगियां एक साथ एक ही दिन में खत्म हो गई। जिंदगी के सब रंग उतर गए मगर तलखियों का पक्का रंग हमारे वजूद पर ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। हम ठुकराए और तुतकारे हुए मेहमानों की तरह सिल्वरवुड में रहते रहे। हर पल हर लम्हा हमें तुतकारे जाने का एहसास दिलाया जाता। बीबी बहुत खामोश हो गई थी, जुगनू तो पहले ही कम बोलता था, बोलती थी तो सिर्फ मेरी और अप्पू जी की नफरत, हर रोज हर वक्त चीख कर पुकार कर पूरी शिद्दत से। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कितनी गलीज हो तुम जोई, पता है मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो तुम्हारे नाखूनों में घुस के तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जो तुम्हारे सारे ऑर्गन्स खा जाते हैं, पहले तुम्हारे लंग्स और फिर तुम्हारे किडनीज और फिर तुम्हारा हार्ट और फिर ए कहाँ रखा है बताओ मुझे, कहाँ छुपा है मेरा ब्लाउज, कौन से खाता तुमको चोरी करना? हुँ? तुम्हारा वो अंग्रेज बाप, तुम्हारी माँ सुकून गौरत करके रख दिया है। चलो बताओ मुझे, चलो मेरा नया ब्लाउज था, कल ही सिल कराया था, बिल्कुल इंग्लिश प्रिंट आई, तुम्हें दिखाया था ना मैंने, व्हाइट विथ पिंक रोजेस।
तो जरा देर को नैप लेने गई थी, खबर भी ना होती मुझे। मगर चोर हमेशा पकड़ा जाता, छुप नहीं सकता। तो खटके से मेरी आंख खुली, इसका पांव मेरी मुसहरी से टकराया तो मैं जाग गई। और उसके बाद ये दौड़ी सरपट, हाथ में मेरा ब्लाउज, इंग्लिश प्रिंट। मैंने कहा था ना कि ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे बीबी एम्बैरस होगी। कहा था कि नहीं। आंसू नहीं गिरा सोई, आंसू से बात बिगड़ती है। एक मिनट में जाके अप्पू की ब्लाउज ले, उनसे सॉरी बोलो और कहना कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। जाओ। I will not again. I will not do this again. बच्चों की तरबियत में डांट डपट तो करना ही पड़ती है, और एक दफा चोरी की आदत पड़ जाए तो ये अंग्रेज लोग भी ना बच्चों को बहुत ढील देते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं बच्चे। भाई हम तो जो भी कहेंगे बच्चों के भले के लिए कहेंगे, वरना हमें क्या पड़ी है? तुमने चले ही जाना है दो चार दिन में यहां से अपने घर। हम लोग, मैं ज़ोया और जुगनू अब सिल्वरवुड में ही रहेंगे। फिलहाल हमारा और कोई घर नहीं है। मैंने पॉल से तलाक ले ली है। He could take care of you. You go stay at his house and he'll... एक अंग्रेज आदमी इतना अनसिविलाइज्ड हो ही नहीं सकता है कि ऐसी हरकत करे। An Englishman will never be so corrupt, baby. Divorce! फिर आज तुम्हें झूठी कहेंगे और अब्बू जी तुम्हें मनहूस कहेंगी और आई तूबा तूबा करेंगी और मामा तुम्हें जान में डालकर तुम्हारा अचार बना देंगी। अब मैंने तो सुना है कि पेट में भी बच्चा है। नहीं, पाँच मिनट के काम में बाहर चक्कर दे लगते हैं। मामा जी, जानू बाबा आ गया। हेलो माय पीपल ऑफ सिल्वरवुड, जानू बाबा इज हियर। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी की खातिर। कितनी बेर